इंदौर जिले के महू विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जाना पाव जो कि यहां से 7.5 नदी का उद्गमन है, जो कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहां पर सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा 12.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी बीच आज महू के डाक बंगले में स्थानीय विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर सहित मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं धर्मस्थ विभाग के मनोज श्रीवास्तव और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बैठक आयोजित की। बैठक में निर्णय लिया गया कि मंत्री की विशेष तौर पर जाना पाव में 7.5 नदियों को जोड़ने के लिए रूपरेखा तैयार की, साथ ही नदियों के संरक्षण करने व विरासत को बचाने हेतु उसको लेकर बैठक में प्रस्ताव रखा गया। उन सब बातों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। जाना पाव परिसर में गुरुकुल का निर्माण हो इसकी भी प्राथमिकता रखी गई है, जबकि इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि महू आवागमन पर इस तीर्थ स्थल का पूरे देश में नाम हो। महू का प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ के लोगों का सपना था कि यहाँ जाना पाव में आध्यात्मिक के निर्माण हो, जिसे मध्य प्रदेश की सरकार से स्वीकार कर लिया है। अब बहुत ही जल्द इस स्थल को नया रूप दिया जाएगा। जी का एक सपना है कि COVID-19 के इस चुनौतीपूर्ण दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात के लिए चिंतित हैं, इसलिए आध्यात्मिक पर्यटन को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश में जाना पाव भगवान परशुराम की जन्मस्थली को चुना है। माननीय प्रमुख सचिव महोदय, उनके जीवन की शुरुआत नौकरी की यहां से हुई, उनका था लगाव अध्यात्म के प्रति है, उनकी एक पुस्तक भी इस विषय को लेके प्रकाशित हो चुकी है। तो मैंने यही चिंता व्यक्त की कि यदि आप हैं तो पूरी क्षमता के साथ आइए, आप और हम मिलके महू को ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे देश को एक अनूठा उपहार स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में जाना पाव पे निर्माण करके दें। आज बैठक हुई तो इसमें क्या डिसीजन हुआ? इस बैठक में जो महत्वपूर्ण काम है वो कैसे गतिशीलता पाए, इस बात को लेकर चर्चा हुई। अनिवार्य आवश्यक आवश्यकताएं हैं, उन सबको कैसे वहां अपन विकसित करें, इस बात को लेके ही बिंदुवार चिंता और उसके व्यवहारिक धरातल पर उसका समाधान कैसे हो, इस बात को लेकर यह बैठक है को लेकर थी। जाना पाव एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृश्य से महत्वपूर्ण तो है ही, पर्यावरणीय दृश्य से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के हिसाब से उसमें जो 7 नदियां हैं उसका 7.5 नदियां प्लस उसके साथ साथ जो वहां पर इतनी बड़ी जो वनौषधियां हैं उनका भंडार है, तो और इकोलॉजिकली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो कैसे उसकी संरक्षा हो सके, और दूसरी तरफ उसकी जो विरासत है, जो आध्यात्मिक विरासत है, उसको लेकर भी कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आज डिस्कस की गई। तो उसमें सबसे पहले तो वाटरशेड एक्टिविटीज़ लेंगे हम लोग, ताकि वहाँ का वन जो है वो और घनीभूत हो सके और सघन हो सके, और जो एक तरह से जो आधुनिक समय में जो पर्यावरणीय चुनौतियाँ मिल रही हैं उनका सामना कर सके, तो मनरेगा से वाटरशेड के काम वहाँ पर करवाए जाएंगे। फिर उसके अलावा ये है कि उसमें परशुराम और जमदग्नि का क्षेत्र है, तो वो प्राचीन जो गुरु परंपरा थी उसको देखते हुए यहाँ पर क्या एक गुरुकुल का निर्माण हो, वो भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और हाँ, अभी मैं जाना पाव ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद उसके बाद वैष्णव परंपरा में हमारी भारतीय परंपरा में एक अवतार माने जाते हैं, और इसलिए अवतार परंपरा पर एक शोधपीठ की स्थापना हो, ये बहुत दिनों से एक महू के लोगों का स्वप्न है, तो उस स्वप्न को पूरा करने की दृष्टि से भी हम लोग ग्रामीण विकास से क्या सहायता कर सकते हैं उसको भी आज चर्चा में लिया गया, और वो एक वनस्पति उद्यान वहां पर उस तरह से विकसित हो। और क्या न्यूज के लिए महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट।